नॉलेज पे आईटीसी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। मार्केट में कल्चर ऑलरेडी बोल सकते हैं कि ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि आईटीसी जैसा कंपनी मतलब स्टॉक का प्राइस 200-250 रुपए चल रहा था, वो शेयर का प्राइस अभी 400 के ऊपर पहुंच गया है और उसका Q4 का रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं वो लोग अभी इसको लेके बैठा है आईटीसी के शेयर को लेके। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे आईटीसी के स्टॉक का और क्या अपडेट है आईटीसी को लेके। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। करते स्टॉक की बातें दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं आईटीसी का जो बोर्ड मीटिंग है Q4 रिजल्ट के लिए और डिविडेंड के लिए, ये 18 मई को रखा गया है। एंड इंटर अलिया टू कंसीडर एंड अप्रूव द ऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी अलोंग विद द सेगमेंट वाइज रेवेन्यू रिजल्ट एसेट एंड लाइबिलिटीज फॉर द क्वार्टर एंड 12 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2023। तो यहाँ पे अगर देखते तो 18 मई को जो ये लोग इसका जो Q4 का रिजल्ट है ईयरली है वो सब यहाँ पे मतलब डिक्लेयर करने वाला है इसका, और जो इसमें आप देख सकते हैं मतलब एसेट लाइबिलिटीज सब कुछ यहाँ पे जो है डिक्लेयर करने वाला है। उसी के साथ अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आईटीसी जो है एक डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाला है। तो यहाँ पे आईटीसी का देखते तो एक फाइनल डिविडेंड जो यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा आईटीसी की ओर से, और यहाँ पे जो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो अभी तक अगर देखेंगे तो आईटीसी लगभग 4-5 रुपए के आसपास डिविडेंड देता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे अपडेट जहाँ पे आईटीसी को लेके बताया जा रहा है, देख सकते हैं कि आईटीसी का मतलब जो बिजनेस ये बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों का मानना है कि आईटीसी का जो बिजनेस एक्सपेंशन है जो कि एफएमसीजी फर्म है Tier 3 सिटीज में एंड रूरल एरियाज में इज वन ऑफ द की ड्राइविंग फैक्टर्स बिहाइंड देयर रेवेन्यू ग्रोथ व्हिच इज रिफ्लेक्टिंग इन बूस्टेड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए, जहाँ पे आईटीसी रूरल एरिया और Tier 3 सिटीज में उसके FMCG प्रोडक्ट्स को मतलब जो है वहाँ पे जाके भी मतलब सेल कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो उसके चलते बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट के एक्सपर्ट उन लोगों का मानना है कि ये जो है एक कॉन्फिडेंट बिल्ड कर रहा है इन्वेस्टर्स का, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए, और शेयर में लगभग यहाँ पे 0.3% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। वही बात करते हैं 1 वीक के अंदर 0.7% का गिरावट दिया, 1 मंथ के अंदर 6.5% का इसने रिटर्न दिया है। आईटीसी का शेयर अगर आप देखते हैं तो लगभग 6 महीने के अंदर इसने एक जबरदस्त रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। फिलहाल यहाँ पे एक्सपेंसिव परफॉर्मर कहा जा रहा है आईटीसी के शेयर को, और ड्यूरेबिलिटी जो है 70 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 22.80 आउट ऑफ 100, मोमेंटम जो 58.80 आउट ऑफ 100। दोस्तों यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग इसका जो है मतलब टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आईटीसी के शेयर को लेके, टेक्निकली फिलहाल अभी शेयर बोल सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो न्यूट्रल लेवल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर यहाँ पे कह रहा है कि ये जो शेयर है भाई ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। वही बात करें दोस्तों MACD इंडिकेटर यहाँ पे कह रहा है कि ये जो शेयर है आईटीसी का न्यूट्रल लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे एक दिन के अंदर जो इसने एक लो प्राइस बनाया है आईटीसी ने वो है 416.10 पैसे का, हाई प्राइस दिया है 422.70 पैसे का, एंड यहाँ पे 1 वीक के अंदर 416.10 पैसे का एक लो प्राइस बनाया, हाई प्राइस बनाया 433.50 पैसे का। वही बात करते हैं एक हफ्ते के अंदर लो प्राइस बनाया, माफ कीजिए एक महीने के अंदर लो प्राइस दिया है 392.10 पैसे का और हाई प्राइस दिया है 433.50 पैसे का। दोस्तों एक महीने के अंदर ये शेयर 433 रुपीज़ तक पहुंच गया था। यहाँ पे अभी का अगर फिलहाल देखेंगे एक दिन का जो है इसका BSE/NSE ब्लॉक की जो एवरेज है 10.5 मिलियन, डिलीवरी परसेंटेज 57.4% का है, डिलीवरी वॉल्यूम जो है 9.5 मिलियन का है। वही बात करते हैं एक हफ्ते के अंदर 11.5 मिलियन के यहाँ पे BSE/NSE में लगा एवरेज देखने को मिल रहा है, डिलीवरी परसेंटेज जो है 59.1% का है एंड डिलीवरी वॉल्यूम जो है यहाँ पे दोस्तों 6.8 मिलियन का है। वही बात करते हैं 1 मंथ के अंदर 10.1 मिलियन का यहाँ पे BSE/NSE में लगा एवरेज है, डिलीवरी परसेंटेज 56.9% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 5.8 मिलियन का देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि जहाँ पे FIS है, FIS ने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा खरीदारी करके रखा है आईटीसी के शेयर में, जो कि 43.35% का स्टेक है, और इसके पहले अगर आप देखते हैं तो 42.99% का स्टेक था। तो FIS ने दोस्तों यहाँ पे स्टेक बढ़ा दिया है, अदर इंस्टीट्यूशन 38.57% का स्टेक था, तो अदर इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ पे स्टेक बढ़ा दिया, इनको भी लगा कि मतलब अदर इंस्टीट्यूशन
चेंज है कि ये आईटीसी का शेयर रिटर्न दे सकता था, 32.65% का स्टेक कर दिया। पब्लिक के पास 14.78% का स्टेक था, पब्लिक ने स्टेक घटा दिया है, 14.52% का स्टेक कर दिया। म्यूचुअल फंड के पास 9.66% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने भी स्टेक घटा दिया, 9.47% का स्टेक कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो FIS है, FIS ने स्टेक बढ़ाया है, अदर इंस्टीट्यूशन ने स्टेक बढ़ाया है, पब्लिक ने स्टेक घटाया, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे स्टेक घटा दिया है। बात करते हैं यहाँ पे जो एक एवरेज बुक का टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा अभी शेयर का प्राइस चल रहा है। तो अभी इस स्टॉक में हम लोग अगर देखते हैं, जैसे कि इसका Q4 का जो रिजल्ट आएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि ITC का जो Q4 का रिजल्ट आएगा, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो इसके पहले का भी जो रिजल्ट था Q3 वगैरह का, Q3 के रिजल्ट में आप देख सकते हैं जो इसका क्वार्टर मतलब कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट आया था Q3 का क्वार्टरली, उसमें टोटल रेवेन्यू में 2.6% का गिरावट बनाया था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते 13.8% कम हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 19.8% जंप देखने को मिला था। EBITDA 21.3% जंप देखने को मिला था। वही बात करते नेट प्रॉफिट 23.4% के आसपास जंप हुआ था। स्टैंड अलोन देखते हैं दोस्तों, स्टैंड अलोन में जो है इसका Q3 का रिजल्ट, उसमें आप देख सकते हैं 2.9% के आसपास जो है यहाँ पे गिरावट बनता हुआ दिखा था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं 14.5% मतलब यहाँ पे गिरावट दिखाया था। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 22% जो है यहाँ पे जंप हुआ था। EBITDA 20% जंप दिया था, एंड नेट प्रॉफिट जो है 21% जंप दिया था। अभी बात करते हैं जो अभी इसका अगर हम लोग देखते हैं तो अभी इसमें रिजल्ट कैसा आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं तो जो शेयर मार्केट के एनालिस्ट लोगों का मानना है कि हो सकता है कि ITC अभी एक बोल सकते कि जबरदस्त रिजल्ट यहाँ पे पोस्ट करे। और ITC का अगर देखते हैं अभी तक जो इसने एक डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ITC जो है अभी तक लगभग 25 डिविडेंड्स दिया है। एंड यहाँ पे जो जो पास 12 मंथ्स के अंदर इसने डिविडेंड दिया है वो है 12.25 पैसे का। तो डिविडेंड यहाँ पे लगभग 4 से 6 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। तो हो सकता है अभी भी जो ITC के और से 4 से 6 रुपए के आसपास अच्छी बातें हैं ITC के स्टॉक को लेकर, जहां पे आप देख सकते हैं या फिर ITC को लेकर, जहाँ पे ITC जो है ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है। और वही बात करते हैं कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड इसका पे आउट है, जो कि 91.7% इसका डिविडेंड पे आउट है। वही जो है आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस जो है मतलब बहुत ज़्यादा शेयर के प्राइस में अभी तेजी देखने को मिला है, और इसका जो बुक वैल्यू है उससे 7.92 टाइम्स में शेयर अभी फिलहाल चल रहा है। तो ये भी आपको समझना चाहिए जब आप शेयर खरीदते हैं। एंड द कंपनी हैज डिलीवर्ड पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.23% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो ये सब कंस है, तो मतलब अगर आप ये शेयर खरीदते हैं तो आपको देखना चाहिए कि इसका जो शेयर का प्राइस है अभी इसके बुक वैल्यू का 7.92 टाइम्स में चल रहा है। एंड सेल्स ग्रोथ जो है उसमें थोड़ा गिरावट बनता हुआ दिखा है, 7.23% के आसपास पास्ट 12 मंथ्स के अंदर। तो बात करते हैं दोस्तों अभी मतलब जो इसका सेल्स ग्रोथ वगैरह है जो दिसंबर 2022 मतलब Q3 में देखने को मिला था, उसमें आप देख सकते हैं जो इसका सेल्स ग्रोथ है उसमें बोल सकते कि थोड़ा बहुत जो यहाँ पे एक तेजी बनता हुआ दिखा था। फिर भी अगर देखेंगे दोस्तों जो कि 17,705 करोड़ के आसपास था, तो उतना कुछ ज्यादा तेजी जो है ज्यादा ग्रोथ जो है सेल्स में देखने को नहीं मिला था। तो वही बात करते हैं जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 6,705 करोड़ के आसपास हुआ था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया था। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जहाँ पे 6,844 करोड़ के आसपास हुआ था। तो हो सकता है कि ITC अभी इसका Q4 के रिजल्ट में एक अच्छा खासा रिजल्ट पोस्ट करे। उसके हर एक बिजनेस सेगमेंट में अगर देखेंगे तो अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। आपको क्या लगता है ITC के शेयर को लेकर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रहे, एक बार जरूर रिसर्च रिक्वेस्ट करते हैं जब भी कोई शेयर खरीदते या बेचते खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।